ये नारा दिल्ली की जनता की आवाज है। संकल्प पत्र के माध्यम से जब हम जनता के सुझाव मांग रहे हैं तो जनता की एक ही आवाज है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहिए और इसे बदलना है। तो ये भाव वहीं से आया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। लोग दिल्ली में गंदे पानी से, बिजली के बड़े दामों से, टूटी हुई सड़कों से, भ्रष्टाचार से, जो कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हों उससे बहुत परेशान है। ये वो सुविधाएं हैं जो आम जीवन में लोगों को प्रभावित करती हैं और लोग अब चाहते हैं कि दिल्ली विकास के रास्ते पर चले, क्योंकि दिल्ली को बद से बदहाल करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है और दिल्ली को खुशहाली और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी हो सकता है। इस भाव के साथ लोगों ने ये नारा दिया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। जी सर, अरविंद सॉरी आम आदमी पार्टी सरकार ने 1000 रुपए महीना देने की बात करी है एलिजिबल वुमेन के लिए, उन्होंने चुनाव से पहले इस चीज की घोषणा करी है, कैसे देखा? मैं पूछना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने एक ऑरेंज कलर के फॉर्म छपा के बनवाए थे, बोरे के बोरे भरवाए थे लोगों से, सबसे कहा था कि हम आपको पेंशन देंगे, हम 2500 रुपये पेंशन देंगे, लगातार लोगों के रजिस्ट्रेशन कराए थे। ये अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ये ठीक चुनाव से पहले इस तरह का एक प्रपंच रचते हैं, लोगों को प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता समझदार है, वो जानती है कि अब दिल्ली में सरकार नहीं आने वाली इनकी, और अगर महिलाओं को, युवाओं को, दिल्ली के लोगों को कुछ समाज कल्याण की योजनाओं के माध्यम से लाभ मिलना है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वह गुजरात देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, उड़ीसा देखिए, हरियाणा देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, राजस्थान देखिए, हम जो कह रहे हैं हम उसे पूरा करके दिखा रहे हैं और इसी भाव के साथ हम दिल्ली में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, सेंटर ने वो जो रिटर ने कल एक बड़ा फैसला लिया दिल्ली के लिए, रिठाला और कुंडली वाला जो कॉरिडोर है उसको खोलने की बात कही है, कैसे देखते हैं? हम दिल्ली की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। कल रिठाला से कुंडली तक का 6238 करोड़ की लागत से बनने वाला मेट्रो के चौथे फेज की मंजूरी दी गई है। लगभग 26.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच 21 स्टेशन से होगा और मुझे लगता है कि गांव देहात के लोग, हमारे व्यापारी इंडस्ट्री, बवाना इंडस्ट्रियल जो जहां फैक्ट्री चलती है, वो लोग, मजदूर वर्ग, उसको एक बहुत बड़ा लाभ और दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ा बात यातायात की दृष्टि से मिलने वाला है। और लगातार आप देखें कि दिल्ली में चाहे हम एक्सप्रेस वे हाईवे बनाने की बात करें, प्रगति मैदान टनल की बात करें, इंडिया गेट में कर्तव्य पथ की बात करें, ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस वे की बात करें, मेरठ एक्सप्रेस वे की बात करें और अब मेट्रो के चौथे चरण की बात करें, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार नई नई योजनाओं के माध्यम से दिल्ली को एक सुंदर दिल्ली बनाने का काम कर रहे हैं। और अब जरूरी है कि दिल्ली को एक बेहतर और अच्छी दिल्ली बनाने के लिए, जो प्रदूषण मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, या प्रशासन स्वच्छ हो, अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनेगी तो जैसे मेट्रो का विकास हो रहा है ऐसे पूरी दिल्ली का विकास होगा।